उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में जहां सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तभी जनपद में तेज बारिश होने के चलते आकाश से बिजली गिर गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई व एक उसकी चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों युवक खेत पर काम कर रहे थे। जोरदार बारिश होने के चलते आकाश से बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से दो युवक झुलस गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई व एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बांदा के बबीरू तहसील क्षेत्र के थरथुआ गाँव का है, जहाँ पर खेत पर काम कर रहे युवक आकाश से बिजली की चपेट में आ गए, जिसमें दोनों युवक झुलस गए। एक युवक को मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राधेश्याम गुप्ता, सज्जन सिंह, बांदा, यूपी। हमारा मुन्ना प्रसाद नाम। मुन्ना प्रसाद जी, क्या घटना हुई है आपके गांव? अरे सर, हमारे यहाँ हम खेत पे बेड़ उठा रहे थे धान की, और उठाते समय पानी बरसात चालू हो गई, जिसकी वजह से ये आए तो पेड़ के नीचे खड़े हो गए, और हम भी आए तो थोड़ा दूर थे। इसके बाद अचानक ऊपर से बिजली गिरी और झटका लगा, इस पेड़ से फार की गिरी सर, फाड़ते हुए पेड़ को इसको यहाँ से लगी सर। और जो लड़का खत्म हो, क्या नाम है उसका? उसका उधर नाम है सर। अच्छा, कौन से गांव में है सर? हमारा गांव थरथुआ है सर। थरथुआ गांव का उदल साहब गुलाब 26 साल की थी, वो आए थे मछली बीच में, गलत अवस्था में आया। इसके अलावा दो मरीज और आए हुए हैं, एक अनिल ने शनाथ बुरेलाल 35 साल में है, और दूसरे उनके पिता हैं बुरेलाल शनाथ बल्लू 50 साल में।